हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के। में तो कई दिनों में मिल रहे हैं, लेकिन जोरदार मिल रहे हैं। आज से हर क्लास आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, चाहे वो सीईटी की हो, टेस्ट सीरीज हो, ठीक है, चाहे वो विश्व अफेयर से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन लेकर, जो भी टॉपिक लेकर आता हूँ वो हो, ठीक है। और आज 19, 20, 21, 22 अगस्त के सभी करंट अफेयर को प्रॉपर तरीके से हर दिन के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लगा लो कितने हो जाते हैं टोटल। तो इन सभी को मैं प्रॉपर तरीके से डीपली नॉलेज में और हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, हर वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो प्रातः सुबह 6 बजे मेरी डेली करंट अफेयर का आ जाती है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होती है मेरी क्लासेस करंट अफेयर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम को लेकर के, चाहे वो SSC का हो मेरे भाइयों, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, RBI, NDA, स्टेट PCS तक के आपके कोई भी एग्जाम जिस भी आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी में करंट अफेयर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूछी जा सकती है और पूछी जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, अपने धुरंधरों को, अपनी बहनों को मैं महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूँ। जैसे अगस्त चल रहा है, वर्ल्ड लंच डे 1 अगस्त को होता है, और 2 को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, और 3 को नाइजीरिया का स्वतंत्रता। इसी तरीके से 6 जुलाई, ओ सॉरी 6 अगस्त को हिरोशिमा, और 9 को विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इन सभी को मैं प्रॉपर तरीके से डे बाय डे में जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। 9 अगस्त को भारत छोड़ दिवस, वहीं पर आपका नागासाकी दिवस भी होता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, इसके बारे में बताया है। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान का होता है, वहीं हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो बना रखी है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस हुआ, और आज हम शुरू करते हैं 22 अगस्त। 22 अगस्त का आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने, ठीक है। भारत रूस से लंबी दूरी के कितने Tu-160 बम वर्षक लेने की योजना बना रहा है। Tu-160 बम वर्षक, मतलब इसके बारे में विश्व अफेयर के अंतर्गत मैंने एक टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर बाकायदा आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जो कि विश्व अफेयर के अंतर्गत है। Tu-160 कहाँ से लिया गया, कितना पुराना है, या इसकी टक्कर में कौन कौन से हैं, किस किस देशों के पास ये चीज है Tu-160 के बम वर्षक। जैसे कि बम वर्षक कहेंगे Tu-160 तो रशिया का, B-1, B-2 जो ये अमेरिका का है, इसी पर 6HK करके वो चाइना का है, बम वर्षक है, लेकिन भारत के पास नहीं है। इन सभी चीजों की जानकारी मैं विश्व अफेयर के अंदर दे चुका हूँ आपको, ठीक है। आपको किसी को नहीं पता, तो मैं विश्व अफेयर में इसी तरीके से इंटरनेशनल नेशनल की लेवल की जानकारी देता हूँ, जो कि आपकी GK को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल को लेकर के, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि भारत रूस से, जो रूस है, रसिया है, जो USSR हुआ करता था 1991 से पहले, वह लंबी दूरी कितने, मतलब रूस से लंबी दूरी के कितने Tu-160 बम वर्षक प्राप्त कर रहा है। तो 8 है, 3 है, या 8, ये सॉरी द्वारा आ गया, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, 6 बम वर्षक। अब बम वर्षक क्या होता है कि काफी मात्रा में यह जो Tu-160 मैंने बताया हुआ है, तो लेकिन बता देता हूँ शॉर्टकट में, ये अपने अंदर बम को ले जा करके किसी दूसरे देश को खोल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। वही मैं इसमें मैंने इसमें थोड़ा डिटेल लिखी कि रूसी वायु सेना जो है Tu-160, व्हाइट स्वान कहा जाता है इसको, भारत इसमें सफेद हंस कहा जाता है भारत में इसको, ठीक है। नाटो द्वारा इसको, देखो यहां से क्वेश्चन उठेगा, कोड नेम ब्लैक जैक नाम पुकारा गया है नाटो द्वारा, ठीक है। नाटो क्या है ये संगठन, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से वीडियो पढ़ी है भाई अमित चौधरी, नाम सर्च कर लेना, मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये 4 इंजन वाला बम वर्षक है, मैंने आपको बताया, 2 मैक है, 2220 किलोमीटर प्रति घंटा भग सकता है, 40 टन तक इसके परमाणु परीक्षण भार कर ले जाने में सक्षम है। Tu-160 लंबी दूरी बम वर्षक को रणनीति बम वर्षक के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक ये जो शस्त्र है चीन के पास, जिसका नाम है Jian-S6K, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीन के पास कौन सा बम वर्षक है, ठीक है। अमेरिका के पास कौन सा, B-1, B-2, B-52, अमेरिका के पास भी बम वर्षक है, ठीक है। ये सभी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में ऑलरेडी। और Tu-160 जो कि भारत खरीदने वाला है, ठीक है, 6 बम वर्षक वो प्राप्त करने वाला है, और चीन को टक्कर देगा इसी के मध्य। मैंने बताया तीनों को कंपेयर करके, आज के वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3 देशों के अंदर, और चौथा हमारा भारत होगा जो इसको प्राप्त कर रहा है, जो इसको ले रहा है, ठीक है। जिस बच्चे को इंग्लिश में लेना, वो मैं प्रॉपर तरीके से मैं कन्वर्ट करके दे देता हूँ अपने भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हुई, ठीक है, और के अवसर पर
किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है पीएस तमांग जी, ठीक है, द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए योजना शुरुआत की है। तो पीएस तमांग आपको पता होनी चाहिए किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के, उत्तरांचल के, सिक्किम के, हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, सिक्किम। आइए इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा खोलकर, ठीक है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता उन्होंने सीएम जो है कहाँ के, सिक्किम के, 75 वर्षगांठ की नामची के भाईचुंग स्टेडियम से राष्ट्र ध्वज फहराते हुए 1975 में, जो कि 36वां या 35वें संशोधन से बना था, ये मुझे इन कमेंट मुझे बताना, सिक्किम भारत का हिस्सा, ठीक है। 1975 में सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद पहली गंगटोक के बारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये पता है, ठीक है। सीएम तमांग अम्मा योजना, यहाँ से वात्सल्य योजना शुरू की है। अम्मा योजना का खास बात को सुन लो, ये बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपए प्रदान करेगा। और वही वात्सल्य योजना जो है, जो निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तो आपको पता होनी चाहिए अम्मा योजना में क्या सुविधा दी जा रही है, किसको दी जा रही है, वहीं पर वात्सल्य योजना क्या है, किसको सुविधा दी जा रही है, सभी चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो सीएम है, राज्य की जो महिलाएं हैं कर्मचारी को पहले प्रदान किए जाने वाले 6 महीने के अवकाश की स्थान पर साल भर के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, ये इंपोर्टेंट है। 6 महीने से सीधा 1 साल की हो गई है, ठीक है, अवकाश को लेकर के। 6 जिलों में दूर दराज जो क्षेत्र है लोगों के सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और मोबाइल ग्राम क्लिनिक कार्यक्रम को शुभारंभ करना, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ये घोषणा की गई है। आप कहाँ से, 75 वर्षगांठ के चलते हुए नामची के भाईचुंग स्टेडियम से, ठीक है, किसके द्वारा, सिक्किम के सीएम द्वारा, ठीक है। तो अब सभी को पता चल गई होगी मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर की औसत PM2.5 सत्तर सबसे अधिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख कर पता चल रही होगी कि ये कहाँ पर है, क्या है, कौन सा शहर है, कश्मीर, पंजाब, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा, तो नई दिल्ली है उनमें से, जो कि HEI हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली शहर की औसत PM2.5 सबसे अधिक है। और भी शहरों को मैं बताते चलूंगा जो जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले जान लेते हैं HEI। HEI जो कि अमेरिकी बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है, इसने HEI ने एयर क्वालिटी को देखा और हेल्थ इन सिटी को देखा, इन चीजों को रिपोर्ट देख करके रिपोर्ट जारी की कि यह फाइन पार्टिकुलेट मेंट, जिसको PM फुल फॉर्म देख लो, पार्टिकुलेट मेंटर, ठीक है, PM2.5 जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर में 7,000 अधिक शहर वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव को विश्लेषण प्रदान करती है। कौन, HEI के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जो कि PM2.5 नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके सामने है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट रुको, जिससे आपको समझ में आ गई, कभी ये बोलो कि क्या समझा रहा है। देखो इसके बारे में थोड़ा और ओपन जान लेते हैं, अमेरिका की है HEI, ये अमेरिका बेस्ट हेल्थ इंफेक्टर इंस्टीट्यूट HEI ने एयर क्वालिटी और हेल्थ इन सिटी की रिपोर्ट जारी की, ठीक है। जिस शहर को ये अपने अंदर ऐड करते हैं, मतलब सम्मिलित करते हैं, वहां की एयर क्वालिटी को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार के। तो यह फाइन पार्टिकल मेंटर PM की फुल फॉर्म है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं दुनिया भर में। इसने 7,000 ऐसे शहर को जांच करी है जो वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव को विश्लेषण प्रदान करती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 19 तक फाइन पार्टिकल प्रदूषण को 2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में से 18 शहर भारत में हैं और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से दिल्ली में फाइन PM2.5 का उच्चतम औसत स्तर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए दिल्ली है वो, और दिल्ली ही टू दिल्ली का आपको पता चल गई होगी कि उन 20 शहरों में से भी दिल्ली औसत स्तर सबसे बेहतर रहा है इस वायु प्रदूषण को लेकर लेके लेकर के या हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरे भाइयों, ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको नीचे प्रॉपर तरीके से दे दिए। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है, तो असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाता है असम, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स क्या है, इसके बारे में बता देता हूं अपने भाइयों को कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना।
ठीक है, स्टार्टिंग की 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा के सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन वर्दी पाठ्य पुस्तक दी जाएंगी। शुरू के स्टार्टिंग जो 10 महीने बच्चा एडमिशन लेगा, ठीक है। ये इसलिए असम ने, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और वहाँ विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुभारंभ किया है उनके द्वारा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं। किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृति की गई है, ठीक है। ऋण की बात हुई कृषि ऋण के लिए, ठीक है, तो वो है 7 लाख, 3 लाख या 6 लाख या 3 लाख, तो दोनों बी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, डी। थोड़ा सा इसको कर लेना, मैनेज कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर हम अपनी बात पर आते हैं, जो कृषि ऋण है वो 3 लाख हो गया है या कर दिया गया है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट सबवेन्शन, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है और कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इसे मंजूरी दी गई है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि 3 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए, इन चीजों को ऑप्शन वाइज पूछ सकता है और विद डिटेल के साथ, ठीक है। स्टेट पीस से जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से मेरी इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑन टेलीग्राम पर आ सकते हो, अमित सर जी कि आप सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं डेली। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा है या कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में या पांडुचेरी में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली में किया गया अमित शाह द्वारा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं कि गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय संचालित फिंगरप्रिंट, देख लो इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहां पर कौन सी सम्मेलन में ये राष्ट्रीय संचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया, जो केंद्रकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों में त्वरित और आसानी निपटाना मदद करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि किस सम्मेलन में ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना, या फिर इसका किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो आपके सामने अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है हमारे भारत के, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए सभी चीजें। नेक्स्ट है, कितने शहरों ने हाल ही में खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है, मतलब कितने शहरों ने किया है? टोटल 700, 300, 100 या 500? तो 500 ने किया है, इसके बारे में जिक्र करूंगा अभी। क्या चीज है, ठीक है, जैसे कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, अब आपको पता होना चाहिए आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। घोषणा की भारत भर के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है और इन शहरों, आपसे आंकड़े पूछ सकता है 500 हैं, कितने हैं, ठीक है, और उपकरण मानदंड हासिल किए और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की। स्वच्छ भारत की मिशन शहरी सतत स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आप इस, मैंने इसमें ऐड कर दिया इस चीज को लेकर, ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो, ठीक है, मैंने सब कुछ नीचे थोड़ा सा लोगो दिया है इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। पहले 2 वर्षों में बच्चे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो वह पालन 4000 या 4000 कॉम्प्लियंस, या फिर पालन 6000, पालन 1000 या पालन 3000? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, पालन 1000, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पालन 1000 के माध्यम से। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 2 वर्ष के बच्चों में विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो पेरेंटिंग आपको ध्यान रखनी है, इस ऐप को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में लॉन्च किया गया था। यह देखभाल करने वाले उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या को व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा और माता पिताओं की शंकाओं को हल करने में मदद करेगा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किसके द्वारा है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, और कितने वर्ष के बच्चों के तक ये लागू किया गया, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च लॉन्च की गई, ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और सभी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पढ़कर पता लग रही है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तो मतलब मेडिसिन पहुंचाई जाएंगी ड्रोन के माध्यम से, आपको पता होगी। अब कौन सा राज्य है ये? हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पहला कैंसा मतलब राज्य है, कैंसा से प्रदेश नहीं है, यहाँ पर आपको फंसा सकता है। ठीक है, ड्रोन सेवा की पहली उड़ान भर चुका है जिसका नाम मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है, इस नाम से जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन सेवा द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहली उड़ान सेपा से चोंग ताजो तक सफलतापूर्वक लॉन्च की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन, ड्रोन के उपयोग की एक पायलट परियोजना शुरू करने की योजना या निर्णय लिया गया है। आपके सामने जो मुझे इंपॉर्टेंट जैसे कि कोई लाइनें लगी या कुछ बातें लगी वो आपके सामने मैंने रख दी हैं, ये कौन कौन सी चीजें इसके साथ लागू किए हैं या निर्णय लिया गया है, ठीक है, शुरू करने का। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए मंथन इंपोर्टेंट है, मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर से है, अनुसंधान और नवाचार से है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, बी इज द राइट आंसर हो जाता है जिसका नाम है रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, मंथन इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको पता होना चाहिए या इस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है या जुड़ा हुआ है। ठीक है, मंथन जो है किसे? रिसर्च एंड इनोवेशन। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSC, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इसकी फुल फॉर्म में कार्यालय ने मंथन मंच के शुभारंभ की घोषणा की। इस मंच का उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधानों व विकास पारिस्थितिक तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में प्रौद्योगिक आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचारों और समाधानों को लागू करना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है किसी प्रकार से, मैंने सभी चीजें आपके सामने की गई हैं, आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि जोरदार क्वेश्चन है बिल्कुल। जुलाई 2022 में भारत की थोक मुद्रा जो कि होलसेल इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है, ऊपर नीचे होती रहती काफी, मैं बताऊं जून में बताई है, ठीक है, जुलाई में मैंने बताई है, अगस्त में मैंने बताई है, जुलाई में मैंने जून की बताई, जुलाई में मैंने जुलाई के अगस्त में बता रहा हूँ आपको, तो 14% रही, 13.93% रही या 15.33% रही या 20% रही? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 1.3 मतलब 13.93% हो गई है, कुल मिलाकर घट गई है। ठीक है, भारत की थोक मुद्रा स्फीति जुलाई में घटकर 13.9% हो गई है और पिछले महीने में मतलब कि इससे पिछला जो महीना था जून वो 15.18% थी, मई में 16.6% जो कि हाई रेट था। ठीक है, सब्जियां, दूध, ईंधन सस्ता होने से जुलाई का आंकड़ा कम हुआ और हालांकि 16वें महीने महंगाई 2.5 अंक में रही, इसमें खनिज तेल है, खाद्य पदार्थ है, कच्चे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बुनियादी धातुएं, बिजली, रसायन, रासायनिक, उद्योग, खादों की कीमतों में वृद्धि के योगदान के लिए इसलिए ये कम हुआ है थोक मुद्रा जो है। ठीक है, 13.93% मतलब कुल मिलाकर आपकी घट चुकी है। जुलाई के रिपोर्ट है आपके सामने, अगस्त की रिपोर्ट में नेक्स्ट मंथ में आपके सामने रख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों के लिए, किस संस्था ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन की घोषणा की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, प्रजनन जैव चिकित्सालय या चिकित्सक देखरेख एवं अस्पताल प्रशासन ने? तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बी इज द राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण थोड़ा मैं बताता हूँ, NHS शॉर्टकट में बोल देते हैं, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सुविधाओं को रजिस्ट्रियों को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, कुल मिलाकर सारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन आधारित फंड आवंटन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए संचालित कार्यान्वयन में मदद करेगी। ठीक है, और वित्तीय 2025 और 26 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यालयों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं इसी को चलते। ठीक है, NHS राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आपके सामने मैंने बता दी, इसके द्वारा ही इसको पेश किया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है,
कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ओमिक्रॉन संस्करण जो है वो लॉन्च हो गया और वो किस देश में हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, जापान, चाइना, अमेरिका। तो इन सब के पास तो ऑलरेडी है, यूनाइटेड किंगडम ने इसको मंजूरी दे दी है जो कि ओमिक्रॉन कोविड के लिए है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, जो वैक्सीन है ये क्या है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ओमिक्रॉन संस्करण के इलाज के लिए कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों उपयोग के लिए अधिकृत है, मतलब उनमें लगाया जाएगा, यूज की जाएगी कुल मिलाकर ये वैक्सीन। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। पहला देश बन गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब जिस बच्चे को यूनाइटेड किंगडम नहीं पता, जिस बच्चे को इंग्लैंड नहीं पता, जिस बच्चे को वेल्स नहीं पता, जिस बच्चे को स्कॉटलैंड नहीं पता, ये चारों देश मैंने बताए हैं प्रॉपर तरीके से। ग्रेट ब्रिटेन कब कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कब कहा जाता है, या इंग्लैंड कब कहा जाता है, प्रॉपर तरीके से सब चीज मैंने आपके दिमाग में डाली है, विश्व अफेयर सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाइयों, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना लागू करता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, केरल। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके माध्यम से जो राजस्थान सरकार है 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना की शुरुआत की, और इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 17.15 करोड़ रुपए आवंटित किए और इस योजना के तहत सीटों को संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विकलांग छात्रों को शामिल किया जाए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने करी, ये पूछ सकता है, और कौन कौन से और कितने संख्या बढ़ाकर इसमें सीटों की कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस फार्मा कंपनी ने, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी जो फार्मा कंपनी ने अपनी इंट्रानेजल कोविड जो नेजल होती है कोविड वैक्सीन कैंडिडेट के लिए परीक्षण पूरा कर लिया है? तो वह भारत बायोटेक, कोविशील्ड, मॉडर्ना या रूस की स्पुतनिक। तो कोविशील्ड ना ही मॉडर्ना ना ही रूस की स्पुतनिक, तो भारत बायोटेक इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ए नई बात है बिल्कुल आप सभी के लिए, जो कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने दवा नियामक को अपने इंट्रानेजल जो है कोविड वैक्सीन उम्मीदवार। BBV वेरिएंट जो कि 1.5.4 के चरण 3 नैदानिक परिसरों से डेटा प्रस्तुत किया है। इसमें दो खुराक वाले टीके होंगे और एक विषम बूस्टर शॉट दोनों को अनुमोदन मांगा है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में बनाई गई है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको कोविशील्ड की पता होनी चाहिए, वो किसने बनाई, कहां पर बनाई, ठीक है, कहां पर इसका सेंटर है, सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के साथ, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। चेहरे की पहचान तकनीकी पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का नाम क्या है? तो फेस ऐप है, डिजी यात्रा, लुक लुक फेस है, नॉन नन, या इसका राइट आंसर हो जाता है बी डिजी यात्रा। डिजी यात्रा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फेस को देखकर पता चल जाएगी कौन है कौन नहीं है। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसको DIAL कहा जाता है शॉर्टकट में, केंद्र की डिजी यात्रा पहल शुरू करने की घोषणा की, और इसने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ऐप को बीटा वर्जन के रोल में आउट किया। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित यात्री प्रसंस्करण प्रणाली है। इस तकनीकी के साथ सभी चेक पॉइंट चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों की प्रविष्टियों और स्वचालित रूप से संसाधित करेंगे। इन कुल मिलाकर यह है कि चेहरे से पहचान कर देगी। ये इस प्रकार से आपको डिजी यात्रा या जो फेस प्रिंट है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का आयोजन स्थल कौन सा है? तो चंडीगढ़ है, बेंगलुरु, कोलकाता है, गुजरात में। तो इसको जो स्थल आयोजन किया गया है ये कोलकाता में किया गया है, वेस्ट बंगाल की राजधानी। आपके सामने इंडिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो संस्करण है 23वां संस्करण है। ठीक है, यह कोलकाता में किया गया है जो कि राजधानी है वेस्ट बंगाल की। इस सीफूड शो का आयोजन समुद्री उत्पाद जो कि जैसे मछली पालन है, कृषि, समुद्री में जो कृषि होती है वो है, ठीक है, इन सभी को एकत्रित करके, उन सभी को देख रेख को लेकर के ये संस्करण चलाया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर इसका मेन मुद्दा यही होता है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ठीक है, इसमें इस सी फूड शो का आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसे द्वारा सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEAI के सहयोग से किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है,
गोवा में किसने वर्चुअल हर घर जल उत्सव के संबंधित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, याचि केजरीवाल या पीएम मोदी? तो नरेंद्र मोदी द्वारा ये चला गया है। ठीक है, आपके सामने नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं गोवा के अंतर्गत। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि 19 अगस्त को जो गई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत गोवा में आयोजित हर जल घर मतलब हर घर जल उत्सव को वर्चुअल संबोधित किया, और गोवा में 100% हर घर जल प्रमाण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। इस अवसर पर पानी के बिलों के लिए क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली शुभारंभ किया गया, और दादर नगर हवेली दमन एंड द्वीप भारत में हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये भी इंपोर्टेंट है, पहला राज्य गोवा है, पहला केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने मैंने बता दिया है। ठीक है, इनके सभी गांवों को, सभी क्षेत्रों में ये सभी चीजें लॉन्च की गई है। गोवा के सभी 2,63,000 ग्रामीण घरों और दादरा नगर हवेली दमन द्वीप 85,000 से अधिक घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ये सभी चीजें 19 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई या उनको संबोधित करते हुए बताया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। आशा करता हूँ सभी चीजें इंपोर्टेंट थी और इंपोर्टेंट मैंने करवाई है डीपली वाइज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली ई इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूल बस चलाई है? ठीक है, बेंगलुरु, जम्मू, केरल, मुंबई? तो मुंबई में चलाई गई है। आपके सामने नितिन गडकरी साहब दिख रहे होंगे बस की साइड में। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का नाम स्विच EIV22 है, और यह अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है, और उन्होंने कहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग राज्य और केंद्र सरकारों को सबसे ज्यादा GST देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है स्विच EIV22 क्या है या किसके द्वारा लॉन्च की गई, किस शहर में लॉन्च की गई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है EDD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपके सामने है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास मेरे भाइयों को, बहनों को, सभी को प्रॉपर तरीके से डीपली वाइज समझाने की मैंने जो कोशिश की है वो सभी क्वेश्चन को आप जान चुके होंगे पिछले 4 से 5 दिनों के क्वेश्चनों को लेकर के। ठीक है, तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF मैं 11 बजे डालता हूँ, 11 बजे आपको PDF मिलेगी, नहीं तो मैं आप कहोगे तो पहले डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ और सभी बाकी क्लासेस चलेंगी। CET की क्लास होगी, विश्व अफेयर की क्लास होगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, हर टॉपिक को मैं जोड़कर चलता हूँ GK से रिलेटेड करके। ठीक है, तो अपने भाई से विदा लूंगा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।